this is Ayanmeet. Hope you guys are doing well and welcome back to another vlog. In this vlog, we are going to eat Muchhad ki Kaleji. You know, in Multan, yaar, bahut sare, you know, foodie log hain, different zaike hain. Bahut aisi jagah hain jo maine explore bhi nahi ki, but you know, bade maze ki jagah hai yaar. Especially khane ke mamle mein, to this city just beyond my expectation. Bahut hi zyada next level ka taste hota hai yahan pe. तो कल हमने गुजर की दाल खाई थी, इसी तरह के और भी बहुत सारे हैं. मतलब लोकल एरिया के लोगों ने ना इन लोगों के एक आइडेंटिटी दी हुई है कि मतलब जिसकी अगर मूछें बड़ी हैं और जिसकी कास्ट गुजर है, तो मतलब दे कुड बी प्रेजेंटेड बाय देयर कल्चर एंड कास्ट, वट एवर दे आर डूइंग इन द लाइफ. हम उससे क्या गर्ज, बट आई एम गोना की कलेजी खाने, क्योंकि उसका भी बड़ा ही ज़बरदस्त जायका होता. तो चलते हैं फिर आज का व्लॉग कलेजी के नाम. एज यू नो, डोर खुला हुआ था पहले से, चप्पल पहने और निकल पड़े हम मुच्छड़ की कलेजी खाने, जिस तरह से हम कल दाल खाने के लिए गए. और ये अंधेरे वाली जो स्ट्रीट होती है, ऑलवेज स्केयर्ड मी. आज भी हम उसी छुपी हुई गली से जा रहे हैं. कल भी मेरा सर मेरा यहाँ पे टकराया था, बट अभी मैं झुक के गुजरूँगा. So presenting you the most beautiful view. रोड की हालत कुछ ठीक नहीं है, दिन ब दिन यू नो ये बिगड़ता ही जा रहा है. चलना भी इनकी इवन मुश्किल हो गया. एज़ यू कैन सी के वर्कर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह, रात को भी. वो सामने है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन. आपको बड़ी बड़ी मूछें तो नज़र आ रही होंगी. चलो चलते हैं फिर. Few moments later. इनकी सिटिंग प्लेस माशाल्लाह से, ये छत है वहाँ जिधर से लड़के निकल के आ रहे हैं ना, वो नीचे गली जाती है. यार मुल्तान में देसी और लोकल ढाबे इसी तरह के हैं जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है. अच्छा, कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो कल वाली जगह से ना आज वाली जगह जो है इसकी सिटिंग प्लेस बहुत अच्छी है. बिकॉज आई डोंट नो अबाउट योर करंट वेदर, बट मुल्तान में तो इस वक्त गर्मी बरस रही है. बिकॉज टू हॉट हेयर एंड लेट मी शो द ब्यूटिफुल सिटिंग. यहाँ पर बस इन्होंने फट्टे रखे हुए हैं, उसके ऊपर कारपेट रखी हुई है एंड प्रिटेंड टू लाइक जैसे शनवारी पे होती है. बट इट्स सो कूल क्योंकि जब हवा चलती है तो ओबियसली मज़ा आता है एंड लाइट का सिस्टम भी है जो कि मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. हमारी कलेजी जो है वो बन के आ चुकी है, इसके साथ साथ देसी चटनी सलाद. कहते हैं कि प्याज रात को नहीं खाना चाहिए, बट खैर हम तो जवान हैं. बड़ा हरामी हो बेटा. साथ ये गर्मा गर्म रोटी जस्ट कराती है यार. ये चीज़ें जो देसी खाने होते हैं ना, जस्ट लव इट. सो यार, हमने खाना वगैरह खा लिया था तो क्यों ना हमने सोचा ज़रा शोखी मारी जाए, बिकॉज हमने मुच्छड़ की कलेजी खाई थी भाई, आम बात थोड़ी है. सो अब हम जा रहे हैं चाय पीने. सो यार, खाना शाना तो खा लिया था, इट हैड अ ग्रेट टेस्ट एवर, मज़ा आ गया यकीन मानो मुच्छड़ की कलेजी खा के, सो यम्मी. तो अभी हम चलते हैं चाय पीने के लिए, बिकॉज चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है. यह बोतल चोतल पी है, बोतल नहीं पीते, टीडी पहली बहुत बाहर निकली हुई है. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कोयटा कैफे पे आ गए हैं चाय पीने के लिए. यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश होती है कोयटा पे. और ये है जी मुल्तान का मशहूर बीसीबी जी कोयटा होटल, न्यू कोयटा. माशाल्लाह से तीन रोटियां हमने मुच्छड़ के पास खाई हैं कलेजी के साथ. तो अभी चाय के साथ यहाँ पे पराठा खाऊंगा. खादा मैं बहुत ही यार, अल्हम्दुलिल्लाह. शाबाश बेटा,
आ गया है जी क्वेटा कैफे वालों का शानदार लच्छेदार पराठा। हाँ 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 चाय भी आ गई। One eternity later. So yeah, welcome back to the apartment. रोटी शोटी खा ली हमने। वही मेला जी मेरी टीडी बहुत बाहर निकल आई है यार बार बार। अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मुझे लग रहा है कि डे आफ्टर डे इट्स गेटिंग इंक्रीज बट आई विल हैव टू वर्क फॉर इट इंशाल्लाह कम कर लूँगा। एंड यार दैट वाज अ यू नो कैन अनोखा ब्लॉग। तो यू नो डेली कंटेंट ऐसे ही होते हैं कुछ भी उठा के मतलब पोस्ट कर लेता है बट आई नो कि दिस वाज फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यार सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दिया करो जो जो भी देखता है और कमेंट भी अच्छा सा कर दिया करो क्योंकि इससे रीच बढ़ती है। ओके गाइस थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में किसी मुच्छड़ या गुजर के पास। अल्लाह हाफिज़।